राज्य सेवा दल के आज दूसरे दिन प्रशिक्षण शिविर में हम यहाँ आकर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ में हैं लखीसराय के राष्ट्रीय प्रशिक्षक राज्य सेवा दल के नंदलाल मंडल जी। नमस्कार, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं केवल भारत टीवी समाचार। चलिए जानते हैं आज की खबरों को। भागलपुर जिला के बेपुर प्रखंड में 6 दिवसीय राष्ट्र सेवा दल युवा प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन हुआ संपन्न। आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि झंडापुर में आयोजित मधु दंडवते जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित युवा प्रशिक्षण शिविर माँ काली का उत्तरा स्थान झंडापुर बिहपुर में हो रहा है। इस शिविर में बच्चे और बच्चियां सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शिविर का आज दूसरा दिन बौद्धिक सत्र चर्चा के साथ सम्पन्न हुआ। अतिथि मिथिलेश प्रसाद ने राष्ट्र सेवा दल के इतिहास के बारे में बताए। वहीं सत्र संचालन कर रहे रविन्द्र कुमार सिंह ने यूसुफ मेहर अली सेंटर पीस सेंटर परिधि भागलपुर के बारे में बताया। इस सत्र की अध्यक्षता सत्य प्रकाश चौधरी संगठन राष्ट्र सेवा दल बांका ने किया। शिविर के द्वितीय बौद्धिक सत्र में भारत का संविधान विषय पर वक्ता डॉक्टर विलक्षण रविदास, पूर्व विभागाध्यक्ष अंबेडकर विचार विभाग तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर ने विचार रखे। उन्होंने संविधान के 3 अहम तरह की बातों पर चर्चा की। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रशिक्षक मिथिलेश प्रसाद एवं नंदलाल मंडल अध्यक्षता रंजित संचालक धीरज दीवान ने किया। क्या है पूरी खबर, आइए डालते हैं एक नजर। अनुच्छेद 14 से लेकर 51 तक में ये बातें मौजूद है, जिसको हमारे राजनीति शास्त्र पढ़ाने वाले लोग कहते हैं मौलिक अधिकार कहते हैं। जो 14 से लेकर के 35 तक है और 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में अनुच्छेद 38 से लेकर 45 तक इसको मौलिक अधिकार का पाठ मान लिया है। अपने निर्णय में दिया कि 38 से लेकर 45 तक आप बच्चों के लिए, लड़के और लड़कियों को पढ़ने के लिए कि ये 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा लेंगे, अनिवार्य शिक्षा लेंगे। और शिक्षा कैसी होगी? समतामूलक शिक्षा होगी। शिक्षा कैसी होगी? एक समान शिक्षा होगी, अलग अलग तरह की शिक्षा नहीं। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से ये ज़्यादा ही हमला बढ़ रहे हैं तेज़ी से। इसका कारण क्या है कि जो सरकार है विशेष धर्म का जो है ये प्रचार प्रसार करती है, और ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है देश में उस पर ये काम ना करके धर्म विशेष पर काम करती है, जिसके कारण ये बार बार हमला हो रहा है। क्या लगता है सर कि यह देश जो है संविधान से चलेगा या फिर जो सरकार में रहेंगे उनसे चलेगा? ये देश को हम भारत के लोग चलाएंगे, ना कोई धर्म चलाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि इस संविधान को हम भारत के जी। धन्यवाद सर।